Question is, explain how animals dwelling in the forest help it grow and regenerate. जो एनिमल्स कहते फॉरेस्ट में घूमते हैं वहीं पर अपना सारा रहने का करते हैं और खाने पीने का करते हैं, वो फॉरेस्ट को ग्रो और रीजनरेट होने में कैसे हेल्प करते हैं. एंड द आंसर इज, इसको हम कैसे लिखेंगे, जो एनिमल्स होते हैं बच्चों वो फॉरेस्ट को ग्रो एंड रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं. बिकॉज एनिमल्स काम कर रहे हैं एक तो क्लिंजिंग एजेंट का, अगर कोई भी फ्रूट गिरा तो वो कौन खाएगा, एनिमल जितने भी लीफ गिरते हैं ओल्डर पार्ट्स गिरते हैं प्लांट्स के वो सब कौन ख़त्म करेगा, एनिमल्स इवन अदर डेड एनिमल्स को कौन खाएंगे, अदर एनिमल्स. सो एनिमल्स आर वर्किंग एज अ क्लीनिंग एजेंट इन द फॉरेस्ट. प्लस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क ऑन डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर वर्क करते हैं, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जितनी भी बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं लाइक एनिमल वेस्ट प्लांट वेस्ट सब चीज़ों को ख़त्म करने का काम करते हैं और उनसे यूजफुल चीज़ें रीजनरेट करते हैं. एनिमल्स ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन विच हेल्प्स इन ग्रोइंग अ नंबर ऑफ प्लांट्स. एनिमल्स पॉलिनेशन भी करवाते हैं जिसकी वजह से नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो करते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन होगी तभी फर्टिलाइजेशन होगी एंड देन न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन होगी. हार्बीवोर्स हेल्प्स द कार्निवोर्स टू ग्रो एज दे सर्व फूड फॉर देम. हमें पता है कार्निवोर्स फीड करते हैं हार्बीवोर्स के ऊपर, कार्निवोर्स फीड करते हैं हर्बीवोर्स के ऊपर, हार्बीवोर्स फीड करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर. तो जो हार्बीवोर्स है वो कार्निवोर्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं क्योंकि उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि उन्हें हार्बीवोर से फूड मिल रहा है. सो दैट इज़ हाउ फ्लोरा एंड फौना फॉरेस्ट के अंदर ग्रो कर रहा है. सो इसी वजह से जो एनिमल्स होते हैं वो फॉरेस्ट को ग्रो एंड रीजनरेट होने में हेल्प करते हैं. थैंक यू.